पहले तो मुझे इस कैलकुलेशन पे ही आज का एहतियात जो हो रहा है ये मिसिंग वुमेन जो JNK से है उसको लेके हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहते हैं ये लोग कहाँ हैं, किन्होंने इसको लिया है और क्यों लिया है। हम वो रीजन जानना चाहते हैं, हम वो फिगर्स जानना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा फिगर मांगा गया है। हम ये मिसिंग वुमेन का फिगर मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि सही सलामत वापस भी आए। यहाँ पे दिया है इस मैम, इस जो ये प्लैकार्ड है इसमें सारा कुछ मेंशन है। ये छोटा सा प्लैकार्ड हमारा सब कुछ कहता है, हम क्या चाहते हैं, कितना फिगर है, 9765 एग्जैक्ट फिगर है। इसमें से हमारी जो माइनर जो हमारी गर्ल्स है वो 1168 के अराउंड है, ये हमारा फिगर है। तो ये ऑब्वियसली कंसर्न की बात, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न कि गए कहां और क्यों गए, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कुछ। क्या हमारे दिल इतना मुर्दा हो चुके हैं, हम इसको लेके भी बात नहीं कर रहे, हम इसको लेके भी आगे नहीं आ रहे, हम इसको भी हाइप नहीं दे रहे। हाइप देने की इन चीजों को जरूरत है। जी नहीं, ये मुद्दा तो अभी अभी हुआ ही है, अभी तो हम पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। जो कि मैं कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी हमारे पास हमें आए, अप्रोच करें, हम इनकी हेल्प करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के बीच ब्रिज बनेंगे, हम पूरी हेल्प करेंगे। ये अभी नहीं है, ये स्टॉप यहाँ पे नहीं हो जाएगा आज, ये चलेगा थ्रू आउट जब तक हमें ये डेटा ना पता चले, जब तक इसका कोई सोल्यूशन ना निकले। ये एंड नहीं होगा आज ये प्रोटेस्ट। पार्लियामेंट में वो फिगर बोलता है कि जम्मू कश्मीर से 9765 लेडीज मिसिंग है। पहले तो एक ललदत की जगह पे ऐसी चीजें होती है, बड़ा अजीब सा शर्मनाक वाका है। हम हिंदुस्तान के उसी से में रहते हैं जिसमें हमने बहू बेटियों को पर्दे में रखते हैं। वही पर्दे वाली लड़की जब हमारे गर्ज के बोलते हैं कि ये गुमशुदा है, तो हमारे जमीर झकझोरता है, हमारा जमीर ये सवाल करता है हमसे कि आप इसके लिए क्या करते हैं। आज मैं निकला हूँ, आई वॉन्ट टू नो, हम तीन सवाल करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, वाई ये कैसे हुआ। दूसरा हमारा सवाल रहा, हूँ ये मिसिंग जो आपने 9765 का फिगर लाया है, ये आपने फिगर कहाँ से लाया, वो कौन कौन से लोग हैं, और तीसरा वेयर, आज वो कहाँ है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसकी वजह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे क्या इसकी वजह ड्रग्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ के कि आज एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आज हमारी कोई बेटी मिसिंग होती है कि आज उनके लिए क्या कानून कर रहा है। हम ये जानना चाहते हैं इसका कौन सा सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम की वजह से हम ये सो जाए, हम ये समझ ले कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ये 9000 का फिगर 90000 कब बन जाएगा, तो उसके बाद आप क्या जागोगे क्या। हमें जगाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, आप ये लिपा पोती ये पेंट कलर छोड़ दो, हमारी लल दद्दू को वापस ला के दो, और आज हमारी लल दद्दू को मिसिंग होने से बचा दो। सर 2019 में हमको पता ही नहीं ना, डॉक्टर आसपा एक सवाल पूछती है लास्ट मंथ कि मिसिंग हमारे इंडिया में कितने मिसिंग वुमेन्स हैं 18 ईयर से ऊपर, उसके जवाब में हमारे जो MOS रहते हैं वो जवाब में बोलते हैं कि इंडिया में 13.13 लाख है और JNK में 9765 है। जब ये फिगर पार्लियामेंट से आया तो ये ऑथेंटिक फिगर है क्योंकि पार्लियामेंट से आया है, उसके बाद ही तो हम सवाल कर सकते हैं। क्योंकि हम आपका सवाल बहुत जायज है, हम ये बोलते हैं कि हर महीने आप इस छाया करो, हर महीने गवर्नमेंट हमको बोलनी चाहिए कि आज कितनी मिसिंग है, सो दैट एक बाप एक माँ कॉन्शियस हो जाए, एक बाप माँ अपनी 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 बेटी को अपनी अपनी बहन को संभाल के रखे और उनको समझाए। अगर कोई उनको वर्गला रहा है, अगर कोई उनको गलत चीज बोल रहा है, तो वो उसको कम से बोले नहीं बेटी ये ठीक है। तो आज जब फिगर आया तभी हम बाहर आएंगे, और सवाल हमसे नहीं पूछा जाएगा, सवाल मोदी सरकार से पूछा जाएगा, सवाल उन लोगों से पूछा जाएगा जो अधिकारी आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। अगर ये मिसिंग बोलते हो आप, मिसिंग होने के बाद आपने इस मिसिंग के लिए क्या किया है, इसका मकसद यही है कि हम पूरे कश्मीर को जगाना चाहते हैं, एक उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे हमारे आंगन से बच्चियां जा रही हैं और हम सोए हुए हैं। हम आपको हम चाहते हैं कि पूरे कश्मीर इस मिशन में इस कैंपेन में शामिल हो जाए, हम अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करें। दूसरा हम गवर्नमेंट से सवाल करना चाहते हैं, इन 9765 का हमको लिस्ट दे दें और उसको बताएं आज वो कहाँ है। तीसरा इसके बारे में एक कानून बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से एक माँ बाप चैन की नींद सोच सके कि आज के बाद मेरी बेटी गायब नहीं होगी। तो हमें तीन सवालों का जवाब चाहिए जी साहब। पहले हाउ, ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, क्या ट्रैफिकिंग है, क्या आपके एडमिनिस्ट्रेशन